मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे कल्याण से एक चौंकाने वाला घटना सामने आया है, जहां 4 साल की इंक्रीमेंट स्टॉपेज को लेकर नाराज एक इंस्पेक्टर ने रेलवे सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी है। आरोपी को कोलसेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक इंस्पेक्टर का नाम बसवराज गर्ग है और वहीं आरोपी का नाम पंकज यादव बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पंकज यादव और बसवराज गर्ग दोनों एक साथ साल 2010 में काम किया था। पंकज यादव की एक डिपार्टमेंट इंक्वायरी बसवराज गर्ग ने की थी, जिसमें पंकज यादव की 4 साल की इंक्रीमेंट स्टॉपेज की थी, जिससे बसवराज गर्ग के खिलाफ 4 साल से गुस्सा मन में पनप रहा था। इसी बीच बुधवार को 3:30 बजे पेन से पंकज यादव कल्याण आया और बसवराज गर्ग के बारे में पूरी जानकारी ली। जानकारी मिलने के बाद बुधवार रात 9:45 बजे के आसपास मृतक इंस्पेक्टर बसवराज गर्ग ये कल्याण बैरक रूम में थे और कान में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहे थे। तभी आरोपी पंकज यादव बैरक में पहुंचा और लकड़ी के डंडे से बसवराज गर्ग के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गर्ग की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोलसेवाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तहकीकात शुरू किया। हत्या करने के बाद आरोपी भागकर रोहा पहुंच गया। कोलसेवाड़ी पुलिस ने पेन से हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी पंकज यादव ने अपना जुर्म कबूल किया और हत्या करने की पूरी कहानी बताई। पंकज यादव की पोस्टिंग रोहा में है, जो पेन RPF थाना के अंतर्गत आता है। इंक्वायरी में शामिल और भी पुलिस वालों को पंकज पीटना चाहता था, लेकिन यह नहीं हो पाया। ऐसी जानकारी कल्याण के DCP सचिन गुंजाल ने दी है। इस पूरे मामले में कल्याण के DCP सचिन गुंजाल ने क्या बताया, हम आपको सुनाते हैं। कल रात 11 बजे कल्याण ईस्ट के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में खबर मिली कि RPF के पुलिस सब इंस्पेक्टर बसवराज गर्ग, उनकी डेथ हुई है। हमारे क्राइम PI गौड़ी और हमारा स्टाफ स्पॉट पे गया, उन्होंने वहाँ पे इंक्वायरी की। इंक्वायरी में ये निष्पन्न हुआ कि पुलिस कॉन्स्टेबल पंकज यादव वहाँ पे 9:45 बजे के आसपास आया था। डिसीज PSI गर्ग और आरोपी पंकज यादव, उनमें झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और उसमें पंकज यादव ने बाम्बू से उनको मारा, उसमें उनकी डेथ हो गई। सर, किस वजह को लेकर? इस घटना में जो आरोपी है पंकज यादव और जो मयत है बसवराज गर्ग, वो 2019 में यहाँ पे साथ में काम करते थे। पंकज यादव की एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बसवराज गर्ग उन्होंने की थी, उसमें उनको 4 साल की इंक्रीमेंट स्टॉपेज और उनका बेसिक भी कम हुआ था। तब से इनके ऊपर उसका गुस्सा था, वो गुस्सा निकालने का निश्चय उसने किया था। तो वो आज उसने पेन से 3:30 बजे वो निकल के आया, कल्याण में आया और कल्याण में उसने ये काम कर दिया। सर, इनके अलावा भी किसी के ऊपर हत्या करने की प्रयास की या कोशिश की गई आरोपी ने? आरोपी को पूछताछ करने के बाद ये रिवील हुआ है कि उनका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में इंस्पेक्टर बर्वे, माने और हेड कांस्टेबल घरत भी शामिल थे और उनको भी ये पीटना चाहता था। और इसके बाद वो यहाँ से चिपलूँ की तरफ जा रहा था, वहाँ पे इंस्पेक्टर बर्वे नौकरी में है, वहाँ जाके उनको भी वो पीटने वाला था।